आप लोग देख सकते हो एकदम हालत खराब हो गई, पसीना पसीना हो गया। ये सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं और उसके बाद मैंने डाली हूँ ग्रीन चिली। फाइनली अंडे भी छील के हो गया है और अब हम इसमें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब ठीक होगी। और आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मैं कोई भी ब्लॉग अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो एंड तक ला ज़रूर देखना। तो चलिए, मैं आज बना रही हूँ पुलाव, अंडे मसूर का पुलाव बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों से आज रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसा पुलाव बनाती हूँ, क्या क्या डालती हूँ। तो ज़रूर वीडियो देखते रहना और आप लोग आसानी से पुलाव बना सकते हैं अगर मेरी रेसिपी ट्राई करोगे तो। बहुत ही झटपट में बनेगा और कोई इसमें ऐसा मतलब क्या बोलेंगे इसको, हाई फाई चीज़ें की कोई ज़रूरत नहीं। घर में जो चीज़ है उसी से हम बना सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो देखते रहना, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आनियन को फ्राई कर लेंगे और अक्खा गरम मसाला सब डाल दिए पत्ता उसका। जैसे ये ब्राउन हो जाएगा फिर सारे मसाले ऐड करेंगे इसमें। फाइनली मैंने हरा मसाला डाल दी हूँ, जैसे ही ब्राउन हो गया कांदा उसके बाद मैंने हरा मसाला डाली। इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल चली जाए, जो कच्चापन रहता है वो चले जाए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आगे की रेसिपी आप लोगों को बताती हूँ कैसा क्या क्या डालना है। हम लोगों ने अंडे आलू को बॉईल कर लिया है अच्छे से और उसके बाद मसूर, ये मसूर है अक्खा मसूर, इसको भी अच्छे से बॉईल कर लिया है। और ये दही है जो हम लोगों ने घर में ही बना लिया है, आधा किलो तक तो दही घर में ही बना लिए। ये तीनों को हम लोगों ने साथ में इसलिए बॉईल किया ताकि आसानी से ये जल्दी हो सके। ये मैं आज बना रही हूँ अंडे मसूर का पुलाव, देखते रहना आगे। देखिए मैंने डाली हूँ हल्दी, नमक और थोड़ा गरम मसाले की पाउडर डाली हूँ, धनिया पाउडर, बरीचक पाउडर। इसको अच्छे से भून लेंगे, 2-4 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो ऑयल अगर ऊपर आ गया तो समझ जाना कि ये अच्छे से भून चुका है। तो आगे देखते रहना, पता चल जाएगा। अच्छे से इसको सौटे कर लेंगे पहले। देखिए मैंने एवरेज मसाला भी इसमें डाल दी हूँ। अगर ऐसा चिपक रहा है ना नीचे तो हम थोड़ा ऑयल डाल देंगे या फिर 2 बूंद पानी के डालेंगे। तो मैं ऑयल डाल रही हूँ, धीमी आंच पे हमें इसे भूनना है। ये सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं और उसके बाद मैंने डाली हूँ ग्रीन चिली, रेड चिली, टोमेटो सॉस डाली हूँ थोड़ा और डार्क सॉस। अच्छे से इसको सौटे कर लेंगे। ये डालने से और भी टेस्ट आता है इसलिए मैंने डाली हूँ, थोड़ा चाइनीज जैसा बन जाएगा। आप लोग देख सकते हो एकदम हालत ख़राब हो गई, पसीना पसीना हो गया। खाना बनाने में इतनी मेहनत लगती है आप लोगों को तो पता ही है। तो चलिए बना तो रही हूँ, अब देखना कैसा बनता बनता, तो अच्छा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखिए, ये देखिए मसाले अच्छे से भून ली हूँ मैं। अब मैं इसमें डालूँगी मसूर, ये जो मैंने बॉईल करके रखी थी ये डालूँगी। अगर मैंने बॉईल इसलिए किया क्योंकि मैं रात में भिगोना भूल गई थी। आप एक रात पहले ही इसे पानी में भिगो के रख सकते हो, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए एक तरफ जुल्फी आलू और छिलका वो कर रही है, निकाल रही है। फाइनली अंडे भी छील के हो गया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के से मसाले में लगाना है और 10 मिनट दम पे रखेंगे और उसके बाद अंडे को हम वापस से निकाल लेंगे। आगे का पता चलेगा मैं क्या करती हूँ, ठीक है। देखिए अंडे भी अच्छे से दम पे हो चुके हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मैंने इसमें दही डाल के पानी ऐड की हूँ और जैसे ये बॉईल हो जाएंगे इसमें चावल डालेंगे। तो इसको बॉईल होने रखते हैं। यहाँ पे मैंने चावल भिगोने रखा है 15 मिनट पहले ही। पहले बॉईल हो चुका है पानी, अब मैं इसमें डालूंगी चावल। देखिए मैंने चावल डाल दी इसमें, अब पक जाएगा। इसे 2-2 मिनट में हिला दूंगी क्योंकि नीचे लग ना जाए। ये माशाल्लाह बन के तैयार हो रहा है। देखिए इसका पानी भी सूख चुका है, अब मैं इसमें एक एक अंडा रख दूंगी। इस तरीके से हम अंडा रखेंगे। अंडे को तो हम लोगों ने अच्छे से भून लिया मसाले में, आप लोगों ने तो देखा वीडियो में।
गाइज आप लोग देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव तैयार हो रहा है। अब मैं इसको ढक दूंगी और 5 से 10 मिनट तक दम पे रखूंगी ताकि जो कच्चा चावल है वो अच्छे से पक जाए और फूल जाए। ठीक है, चलिए फाइनली पुलाव दम पे रख दी हूँ मैंने। आप लोग ने देखा इतनी मेहनत के बाद पुलाव तो बन गया। अब मैं दम पे रखी हूँ, उसके बाद जैसे ही हो जाएगा मैं आप लोगों को बताऊँगी कितना। आप देख के आप लोगों को एकदम टेस्टी लगेगा इंशाल्लाह। तो आप लोग ज़रूर ये मेरी रेसिपी ट्राई करना और कमेंट में बता देना कि जब भी आप अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करोगे तो कैसा बना ज़रूर बताना। बहुत आसान तरीका है, कुछ उसमें हार्ड काम कुछ भी नहीं है। तो कैसा लगा बताती हूँ आगे कैसा बनता है और सब लोग खाएंगे, सबको बड़ा मज़ा आएगा। चलिए चावल दम पे है, पुलाव दम पे है, तो मैं आप लोगों को एक मतलब पौधा बता रही जो हम लोगों ने घर में उगाया। बता देखिए, सानिया ने मेथी भिगा कर मिट्टी में डाल दिया। एक दिन में थोड़ा हो चुका है और अब मैं ये दूसरा दिन है, सॉरी। देखिए मेथी अब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा ना तो हम लोग इसकी सब्जी बना के खा लेंगे। मेथी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये 2 ही दिन हो गया है सानिया ने मेथी का झाड़ लगाया है। ज़्यादा नहीं लगाया, ज़्यादा होता तो घना हो जाता था। ये तो आप लोगों को बताया था, पता नहीं किस चीज़ का। अगर आपको पता है तो कमेंट में बता देना। फाइनली पुलाव बनके तैयार हो चुका है। ओ माय गॉड, ये देखिए पुलाव तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ओ माय गॉड, वाओ, और खुशबू भी बहुत टेस्टी। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना, आप लोगों को भी खा के बना के बहुत मज़ा आएगा। फाइनली पुलाव बनके तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने भी खा लिया और बहुत ही टेस्टी बना था। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना। आप लोग को भी, आप जब ये बनाओगे ना, सच में आप हमेशा बनाते रहोगे। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको चिकन की रेसिपी भी ज़रूर बताऊँगी, चिकन पुलाव में कैसा बनाती हूँ उसकी भी रेसिपी, वो भी शॉर्टकट में बताऊँगी। उसमें भी ऐसा ज़्यादा कुछ डालना नहीं है, वो भी मतलब आसान तरीके से बताऊँगी। और जब अच्छा, उससे अच्छा हार्ड तरीका भी अगर जानना है तो वो भी बताऊँगी, जो हम लोग मेहमानों के लिए बनाते हैं। ये ऐसा घर में बनाने के लिए मैं बताती हूँ। तो ठीक है, आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों से ऐसी वीडियो, कुकिंग की वीडियो आप लोगों से शेयर करूँ तो ज़रूर बता देना, मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। वैसे तो मेरा एक चैनल है जाशिरा डिलीशियस किचन, उस पर तो मैं वीडियो डालती थी, लेकिन अब बहुत टाइम हो गया उसको, मतलब उस पर कोई वीडियो नहीं अपलोड किया। तो आप लोग सर्च करना जाशिरा डिलीशियस किचन और उसको भी सब्सक्राइब करना। हो सके तो कमेंट करके बता देना कि मैं ऐसी कुकिंग चैनल स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, या ब्लॉगिंग तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करते रहूँगी, कुकिंग चैनल का मैं आप लोगों से पूछूँ। तो ठीक है, यहाँ तक के ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसी सपोर्ट करना, बहुत सारा प्यार देना और मेरी वीडियो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।